सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मन को और बेल एंकर को जुड़ दुमाए न्यू अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसे हो, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के यार कुछ ऐसे डिवाइस है जिनको नए F40 अपडेट देखने को मिले आज के दिन, और यार इस अपडेट में क्या कुछ आपको देखने को मिल जाएगा ये भी आपको क्लियर करूंगा। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट और देख सकते हो, मैं बात करूँ डिवाइस के नाम की तो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस है जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि सैमसंग का बिल्कुल नया स्मार्टफोन है, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है और इसको भी एक नया F40 अपडेट देखने को मिल चुका है आज के दिन। अगर मैं बात करूँ अपडेट की फाइल 240 MB की थी, काफ़ी छोटी अपडेट थी और यहाँ पे दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा और आपके कुछ फ़ोन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है, जैसे कि सैमसंग ने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। सो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप यूज़ करते हो J4 प्लस तो ज़रूर से यार अपडेट करना, आपके फ़ोन में अपडेट अवेलेबल है। फ्रेंड्स मैं अलर्ट डिवाइस है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J7 2016, यार J7 2016 को एक नया F40 अपडेट देखने को मिला आज के दिन, और यार इस अपडेट में सैमसंग ने एक काम बहुत अच्छा किया, आपको जनवरी 2019 का सिक्योरिटी पैच मिल चुका है, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है। और सैमसंग का यार फर्स्ट डिवाइस है J series का जिसको जनवरी 2019 का अपडेट देखने को मिला, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। सो अगर आप यूज़ करते हो J7 2016 तो ज़रूर से अपडेट करना, और इस अपडेट में आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया, कुछ बर्क फिक्स कर दिए गए, जैसे कि सैमसंग ने यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया हुआ है। सो बस यार सैमसंग तरह काम ही करता है, कुछ खास नहीं करता। अगर आप यूज़ करते हो दोनों में से कोई भी डिवाइस तो जरूर यार अपडेट करना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ रोजाना कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ। सो मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अगली वीडियो में।